ये बताएं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ कर पड़े हैं। हम देख रहे हैं कि जब से 9 मई का वाक्य हुआ है उसके बाद कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, तो सवाल साहब का क्या कहना है? से भी पीटीआई के साथ साथ मीडिया पे भी बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है। खैर की अगर बात की जाए तो हमने देखा था कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया उसके बाद सक्कर में भी एहतियाज हुआ, तो अभी तक आपके कारकुनान कितने अंदर अभी भी अंदर हुए हैं और कितनों की जमानत हो गई है, और उनका कोई आपकी जानिब से कोई सपोर्ट वगैरह हो रही है उनको या उनको ऐसे ही लवारिसों की तरह छोड़ दिया है? देखिए सर, जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया 9 मई को, तो कुछ दिन पहले जुनेद नामी काउंसलर उसको उठाया, उस पर तशद्दुद का निशाना बनाया, तो ये कौन लोग हैं इन्होंने ये सब कुछ किया? मैं तो यही समझता हूँ ये वही कड़ी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रही है, ये वही कहा जाता है कि मोमिन जतोई ने ये पार्टी से इस्तीफा दे दिया, अली मादल शेख से उनकी जो आपसी मामला थे वो ख़राब हो गए, तो उस पर आपका क्या मौकफ है? वाकई में हुआ ऐसा या नहीं? देखें, जो मुबीन अहमद जतोई साहब का एक रिज़ाइन सामने आया, उसके साथ साथ एक और नोटिफिकेशन सामने आया। हाल ही में आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, तो वो ज़िंदगी या कैसा लम्हा था और आपने उस मुलाकात में क्या सीखा और खान साहब ने आपको क्या कहा? सबसे पहले तो ये खान साहब से जब भी मिलो तो एक नया वलवला जोश मिलता है।